बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा जम्मू की करते हैं। और जम्मू की बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद है कि तलबा लगातार एहतजाज पर है और इस एहतजाज के बीच सूबाई कमिश्नर का एक बड़ा बयान सामने आया है और ये एक ब्रीदर और रिलीफ के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि सूबाई कमिश्नर राजीव लंगर का बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि तलबा को किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सरकारी डिग्री कॉलेज हैं सूबा जम्मू के अंदर, वहाँ पर इस वक्त एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और हर एक बच्चा जो एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए माकूल और मुनासिब इंतज़ाम किया जा रहा है। 71 कॉलेज इस वक्त जम्मू डिवीज़न के अंदर है, जहाँ पर इनटेक कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 34,000 से भी ज़्यादा है, 34,000 से ज़्यादा है और ये प्रीवियस सेशन के मुकाबले में 25% बढ़ा दी गई है। ये सूबाई कमिश्नर जम्मू का बड़ा बयान आया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राजीव लंगर का बयान जो है ये उस वक्त सामने आया है जब बच्चे पैनिक मोड में हैं और तरह तरह के सवालात उनके जहन में हैं, तो उन्होंने उन सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बच्चों ने परेशान होना नहीं है और एडमिशन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के तहत और हायर एजुकेशन के तहत जितना भी निज़ाम बनाने की ज़रूरत है उस निज़ाम को बरोएकार जो है वो लाया जा रहा है। डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से भी बयान सामने रखा गया, जिसमें ये कहा गया कि 71 कॉलेज हमारे जम्मू सूबे के अंदर है, जिसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ पर जो सीटें हैं वो तयन कर दी गई हैं और अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम अकॉर्डिंगली ही निज़ाम को और भी बेहतर जो है वो बना सकते हैं। साल 2021-22 और 2021 का एदादोशुमार भी दिया गया है। 2,77,000 के करीब बच्चे जो थे वो एडमिट हुए थे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर साल 2020-21 के अंदर एकेडमिक सेशन के दौरान, और इनटेक कैपेसिटी जो अब बढ़ा दी गई है साल 2020-21 को देखते हुए वो सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो हमने जी 25% बढ़ा दी है। और अभी यूजी का जो इम्तिहान चल रहा है, पहला सेमिस्टर का भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी चल रही है, और इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने कल ये भी साफ कर दिया है कि जनाब एक तरफ से जहां हम अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, वहीं पर जम्मू सूबे की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन MBBS, BDS, BAMS, इंजीनियरिंग, BSc, नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, BSc वेटरनरी साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और दीगर शोबाजात में भी काफ़ी इजाफा किया गया और अप्रॉक्सीमेटली 8,000 सीटें जो है वो डिग्री कॉलेज के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली बनाई जा रही है। इस तरीके का निज़ाम जो है वो तैयार किया गया। तो सूबाई इंतज़ामिया की जो वजाहत है ये उस वक्त सामने आई है जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा सरापा एहतजाज पर है। बच्चे और वालदैन लगातार सवाल पूछ रहे थे, उन सवालों का जवाब जो है वो सूबाई कमिश्नर की तरफ से दिया गया है। कुल मिलाकर सूबे के अंदर 71 कॉलेजों में दाखिले की जो गुंजाइश है 34,465 है सूबाई कमिश्नर जम्मू के बयान के मुताबिक, और पिछले तालीमी सेशन से 25% ज्यादा है। यकीन दहानी कराई गई है कि तलबा परेशान ना हो। पिछली बार जो कैपेसिटी थी टोटल स्ट्रेंथ ले सकते थे मुख्तलिफ कॉलेजेस में, वो इस बार ज्यादा है, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो या डायरेक्टली जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ आते हों। और दूसरी बात ये कही गई 2020-21 में तालीमी सेशन में 27,724 ऐसे अंडर ग्रेजुएट तलबा है, यानी जिनको अभी तक मुख्तलिफ नशस्तों के तहत दाखिला दिया गया है। तो पिछले साल के मुकाबले 25% इस बार सीटें ज्यादा होने का मतलब सुबह इंतजाम की बात को अगर सही माने तमाम तलबा को एडमिशन आसानी से मिल जाएगी और ये मौके अभी भी मौजूद हैं।